स्वायत्त लातूर स्टाफ अकादमीच्या वतीने आयोजित व्याख्यानमालेअंतर्गत व्याख्यानाचं सहावं पुष्प गुंफण्यासाठी निमंत्रित केलेल्या आपल्याच सहकारी व्याख्यात्यांचं आणि व्याख्यानमालेचे या स्टाफ अकॅडमीचे प्रभारी प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर सुरेश फुले सर तसेच महाविद्यालयाचे पर्यवेक्षक आदरणीय प्राध्यापक संजय निलंदार सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तसेच या व्याख्यानमालेसाठी महाविद्यालयातील सर्व वरिष्ठ आणि कनिष्ठ प्राध्यापक शिक्षक व अन्य सर्व कर्मचारी सर्वांचं मनापासून या व्याख्यानासाठी स्टाफ अकॅडमीच्या वतीनं मी शब्दसुमनांनी स्वागत करतो. आदरणीय प्राचार्य सर व अन्य सर्वांचं या ठिकाणी आगमन थोड्याच वेळामध्ये होईल. आपला कार्यक्रम सुरू करायचा आहे. महाविद्यालया व्याख्यानमालेचे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सुरेश फुले सरांना विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाचं प्रस्तावित करावं. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्मान्य प्राचार्य भवानी सर, उपप्राचार्य राजेश सर, पर्यवेक्षक संजय बिराजदार सर, उपप्राचार्य बाबा यादव आणि असे जे व्याख्याते आहेत प्राध्यापक विजय अशोक कोळी की यांचा जो काही विषय आहे तो विषय म्हणजे संतकवी. तर सहकारी मित्रांनो, आतापर्यंत आपले 5 व्याख्यान झालेले, हे आजचं 6वं पुष्प आहे. 7वं पुष्प देखील पुढल्यामध्ये आपले शिवजी ओमप्रकाश शांतकुमार यांचे 7वं. आता आपल्यासाठी काही अप्लिकेशन आलेलं नाही, नवीन वर्षामध्ये. तर आजचा जो काही विषय घेत प्रत्येक तुम्ही आतापर्यंत जे 6 पुष्प पाहिले की 6 पुष्पामध्ये प्रत्येक व्यक्तीने त्याच्या त्याच्या पद्धतीनं एक वेगळा विषय घेऊन एक व्याख्यान दिलं होतं. त्यापैकी आता एक विषय आहे जो संत कवी येतो. संत कवीचे मानवतावादी विचार. आता संत हा शब्द आल्यानंतर कथा की हा व्यक्ती 14व्या शतकातला व्यक्ती होता आणि याला संत ही पदवी दिलेली आहे. परंतु या व्यक्तीची ट्रॅजेडी जर पाहिली आपण नंतर सर बोलतीलच आपल्याला, जन्मल्यापासून मरेपर्यंत त्या व्यक्तीची ट्रॅजेडी होती. एका ब्राह्मण विधवेच्या पुढे जन्माला आला, तिनं त्याला टाकून दिलं. एक मूळ हिंदू कपल होत, परंतु हिंदू लोकांच्या जाताला कंटाळून ते मुस्लिम झाल्यानंतर त्या मुस्लिम कपलनं त्यांचं पालन पोषण केलं आणि आयुष्यभर या संत कबीराने मुस्लिमाचाही मार खाल्ला आणि हिंदूचाही मार खाल्ला. कारण त्यांचे दोन दोहे जे होते त्या दोन्ही दोह्यामुळं त्यांचा एक दोहा होता, कंकड पत्थर जोडकर मजीत लई मलाय तापर मुल्ला बागदे भरो हुए उदा. हे म्हणल्यामुळं त्याला इतका मारला की तो बेशुद्ध होई पडतो. म्हणजे दगडा युद्धाची मजीद बांधतो आणि आरडतो मोठमोठ्यानं, जर काय आणला हा भेराय का मारला बेशुद्ध. पुरानंद त्याने काय म्हणला, पहाल तुझे हरी मिले दगडाची काय पूजा करता हिंदूला म्हणून पहाड तुझे हरी मिले तो मने तुझो पहा ताते चाकी भली इस खाये संसार. अरे म्हणजे तुम्ही दगडाची पूजा करता, मी तर पहाडाची पूजा करतो. तिथे किती देव असते, त्याच्यापेक्षा आपलं जात बरं दळायचं की त्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळतो, याच्यामुळे हिंदूचा भाग.
शेवटी मेल्या म्हणतात त्या बातमी उत्तर करण्यासाठी देखील हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये भांडण लागले. जन्मभर त्याला कोणी हिंदू म्हटलं नाही, त्याला कोणी मुस्लिम म्हटलं नाही, आजही त्याची जात कोणते हा संशोधनाचा विषय. शेवटी असा एकच व्यक्ती आहे की ज्या व्यक्तीच्या दोन समाज आहे भारतामध्ये, ज्या व्यक्तीच्या दोन समाज आहेत अशा व्यक्तीबद्दल आज आपले सहकारी प्राध्यापक विजय गवळे सर आपलं मनोगत व्यक्त करणार आहेत, आपले विचार मांडणार आहेत. तर माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण ते शांत चित्तानं ऐकू. धन्यवाद. व्याख्याते आपले सहकारी प्राध्यापक विजय गवळी सरांना मी विनंती करतो, जास्त वेळ न घेता, की त्यांनी आजचा आपला जो विषय आहे संत कबीर यांचे मानवतावादी विचार या विषयावर आपलं अभ्यासपूर्ण मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. आदरणीय प्राध्यापक विजय गवळी सर. सर्वप्रथम आप सभी को सादर वंदन. गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. पुनः से आप सभी गुरुजनों को सादर नमस्कार. मंचासी मान्यवरों को सादर नमस्कार. आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर महादेव गवाने सर जी, उप प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर ए जे राजू सर, उप प्राचार्य सम्माननीय सुचिता वागमारे मैडम, उप प्राचार्य सम्माननीय सदाशिव शिंदे सर, पर्यवेक्षक सम्माननीय सुरेश बिराजदार सर, संदीप बिराजदार सर सॉरी, स्टाफ एकेडमी के समन्वयक सुरेश खुले सर, सूत्र संचालक महोदय आदरणीय सुदर्शन पाटिल सर और उनके साथी अमोल लड़के सर और आप सभी गुरुजन. सर्वप्रथम इसी मंच के सामने मैं भी आपके तरह शुरुआती व्याख्यान पढ़ा था, सुना था प्लेटो के मार्गदर्शक विचार. इसके बाद महावीर गौतम बुद्ध के आशिया खंडावरी प्रभाव, इसके मतलब महावीर गौतम बुद्ध जी के विचार मैंने सुने, स्वामी विवेकानंद के ऊपर मैंने विचार सुने, भगवत गीता के ऊपर मैंने विचार सुने और इन सारे विषयों पर जब मैंने सोचना प्रारंभ किया तब मेरे अंतर्गत का एक कबीर जाग उठा. संत कवि कबीर जिन्होंने जिनके ऊपर कई मत मतांतर देखने के लिए मिलते हैं, जन्म को लेकर मृत्यु को लेकर. संत कवि कबीर पहले संत थे या कवि थे इसके संदर्भ में भी मत मतांतर देखने के लिए मिलते हैं, पर वह एक सर्वप्रथम मानवतावादी समाज सुधारक रहे थे. मैं यहां पर कहना चाहूंगा कवि बाद में थे. हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल में संत कवि कबीर जी का नाम एक विशेष रूप से लिया जाता है. भक्ति की प्रमुख दो धाराएं प्रचलित है, एक सगुण मार्ग की भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण मार्ग की भक्ति धारा. सगुण मार्ग के अंतर्गत संत कवि तुलसीदास जो कि राम भक्ति शाखा से प्रचलित है और दूसरे संत कवि है सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से प्रचलित है, पहचाने जाते हैं. और निर्गुण मार्ग की भक्ति धारा के अंतर्गत एक प्रेम मार्ग की शाखा के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि के रूप में प्रचलित है और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक के रूप में संत कवि कबीरदास को माना जाता है. वैसे देखा जाए तो संत कवि कबीर जी के संदर्भ में सर ने हमें अभी परिचय दिया, फिर भी मैं संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा कि संत कवि कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ. विडंबना देखिए, विधवा
कि कोख से जन्म लेना एक समाज में किस प्रकार से परिणाम सिद्ध होता है। विधवा ब्राह्मणी के कोख से जब संत कवि कबीर जी का जन्म हुआ तब लोग लाजवश उस विधवा ब्राह्मणी ने उस बालक को उस संतान को लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया, लोग लाजवश प्रातकाल के समय छोड़ा और उसी दिन एक नीरू और नीमा नामक जुराह दंपति जिन्हें कोशिश करने के बावजूद भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है वे वहां पर उसी लहर तारा तालाब के पास घूमने के लिए जाते हैं और उन्हें एक बालक के रोने की आवाज सुनाई देती है। मुसलमान दंपति है, जुराह दंपति है और वे उस बालक को रोते हुए देखकर उन्हें उठा लेते हैं। ये निगेंद्र देखते हैं कि कोई है इसका पालन, पर कोई उन्हें वहां पर न मिलने के कारण उस बालक को उठाकर अपने घर लेकर आते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उसे नाम देते हैं कबीर। संत वे बाद में बने, इसलिए कबीर के माता पिता के रूप में नीरू और नीमा को माना जाता है। संत कवि कबीर के गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी है। गुरु बनने के पीछे भी किदंतियां प्रचलित है। एक बार संत कवि कबीर रामानंद के गो घाट पर सोए हुए गो घाट के सीढ़ियों पर सोए हुए थे, राम मंदिर की सीढ़ियों पर, और उसी दिन प्रातकाल के समय स्वामी रामानंद जी स्नान संध्या करने के लिए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। रामानंद जी का पैर कबीर के शरीर के ऊपर पड़ा, कबीर जी की नींद खुल गई और कबीर जी ने उसी नींद में से उनकी आंखें खुलते ही उनके कानों पर शब्द सुनाई दिए, राम राम राम। स्वामी रामानंद के मुख से वे शब्द सुनाई दिए और इसलिए संत कवि कबीरदास ने रामानंद जी को उस समय से अपना गुरु मान लिया और राम नाम की दीक्षा ग्रहण की। बताया जाता है कि किदंतियां है कि स्वामी रामानंद जी और कबीर के माने गए माता पिता पालन करता नीरू और नीमा ने कबीर का ब्याह एक लोई नामक युवती से करा दिया, जिससे कबीर जी को कमाल और कमाली नामक एक लड़का तथा लड़की की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। ये भी बताया जाता है कि संत कवि कबीरदास जी अनपढ़ थे, क्योंकि स्वयं कबीरदास ने इसका प्रमाण दिया है, मसी कागज छो नहीं कलम गई नहीं हार, मैंने अपने जीवन में कागज कलम और स्याही को छुआ तक नहीं। कबीरदास के इस दोहे से सिद्ध हो जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। संत कवि कबीरदास जी अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास रखते थे। गुहर बात ही उनके दोहे से प्रमाण के रूप में सिद्ध होती है। वे कहते हैं, मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रहे, मैं कहता आखियां देखी तू कहता कागज की देखी, मैं कहता सुरजावन हारी तू राखियो ऊर्जा ही रहे, मैं कहता जागत रही हो तू रहता है सोई रहे। ये जो पंक्तियां संत कवि कबीरदास ने कही है इससे प्रमाणित हो जाता है, और क्या आगे पंक्तियां मैं समय की बचत के लिए आगे बढ़ रहा हूं, इससे साबित हो जाता है कि संत कवि कबीरदास जी आंखों देखी बात पर विश्वास रखते हैं और वे ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक हैं, मतलब ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इस बात पर उनका जोर रहा था और यह उक्तियां भी इसी बात को सिद्ध करती है। कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, जैसे पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई, ये जो संत कवि कबीरदास की उक्ति है इससे भी यही सिद्ध होता है कि ज्ञान या तत्व ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। अभी मैंने आपको बताया कि संत कवि कबीरदास जी अनपढ़ थे, फिर हमारे सामने प्रश्न ये निर्माण होता है कि संत कवि कबीर जी ने जो साखी सबल और रमणी ये जो तीन रचनाएं लिखी है, जो बीजक नामक साहित्य के अंतर्गत संकलित रूप में मिलती है, ये किसने लिखी? इस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने निर्माण होता है और इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से है कि
कबीर के जो शिष्य थे जिनका नाम धर्मदास था, कबीर गाते थे और धर्मदास उनके शिष्य के रूप में उसे लिपिबद्ध कर लिया करते थे, लिखते थे, और इसलिए आज हम उनके दोहे को, उनकी वाणी को सुनते हैं, उनकी वाणी को हम किताबों के माध्यम से पढ़ते भी हैं। संत कबीरदास ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया था। इस बात का प्रमाण यह मिलता है कि संत कबीरदास की भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, मराठी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली इत्यादि भारत के अंग्रेज भाषाओं के शब्द मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि संत कवि कबीरदास ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया था, ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए उनकी भाषा में ये विभिन्न भाषाओं के शब्द मिश्रित रूप में पाए जाने के कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। संत कवि कबीरदास ने अपने जीवन में ईश्वर को निर्गुण निराकार माना, उनके आराध्य निर्गुण निराकार है, कंकण में विद्यमान है। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिलो, पर भर की तलाश में, भय मैं तो विश्वास में, हर सांसों की सांस में। मतलब ईश्वर कंकण में विद्यमान है, ईश्वर स्वयं मुझ में विद्यमान है, प्रकृति में विद्यमान है, प्रकृति के हर जीव जंतु, प्रकृति के हर वस्तु के अंतर्गत ईश्वर विद्यमान है। इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए हमने इधर उधर भटकने के, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमने बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, विभिन्न प्रकार के जो क्रिया कर्म है उनको भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बात संत कवि कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर कणकण में विद्यमान है। कवि के जो ईश्वर है वो एक राम है, वे राम संत तुलसीदास जी के राम नहीं है। संत तुलसीदास जी के जो राम है वह दशरथ सुत राम है, पर कबीर जी का जो राम है वह कणकण में विद्यमान है, हर चीज में विद्यमान है। और इस प्रकार से संत कवि कबीर जी के संदर्भ में हिंदू और मुसलमान दोनों भी पद्धति से लोग देखिए, विधवा ब्राह्मण की कोख से, मतलब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, हिंदू परिवार में जन्म हुआ, और संत कबीरदास जी की जो मृत्यु है वह मगध में हुई है सन 1518 में। अब देखिए मगध में जो स्थान है वह एक यात्राओं के लिए जाना जाता है, जैसे एक हमारे मन में कल्पना होती है एक स्वर्ग की और नरक की। कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मण की कोख से हुआ, उनका पालन पोषण नीलो नीमा ने किया और मगध नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के समय में एक किंवदंतिया प्रसिद्ध है, बताया जाता है कि जब संत कवि कबीरदास जी की मृत्यु हुई तब हिंदू और मुसलमान दोनों में भी कलह होने लगा, झगड़ा होने लगा। हिंदू कहने लगे कि कबीर हमारे धर्म से संबंधित है, मुसलमान कहने लगे कि कबीर हमारे धर्म से संबंधित है। कबीर के शव को लेकर झगड़ा हुआ। देखिए जिसने अपने जिंदगी में जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई, इस प्रकार का संदेश दिया और उसी कबीरदास को लेकर जाति धर्म में झगड़ा होने लगा। कितनी बड़ी विडंबना यहां पर देखने के लिए मिलती है, जन्म के समय में भी विडंबना और मृत्यु के समय में भी विडंबना। इसलिए यहां पर खुले सर जी ने यहां पर बताया कि कबीरदास जी के जीवन एक विडंबन पूर्ण जीवन है, इस प्रकार की बात बताई। अब मानवतावादी विचार है, मैं थोड़ा सा अलग लेकर जाता हूं। संत कवि कबीर ने अपने जीवन में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने कहा, सत्य गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा बनहार कबीरा, अनंत दिखा बनहार। देखिए गुरु
गुरु निस्वार्थ रूप में काम करता है, अनेक असंख्य शिष्यों के ज्ञान रूपी नेत्र को खोलकर उन्हें ज्ञान रूपी ईश्वर के दर्शन कराने का काम करते हैं, उनके हमारे ऊपर अनेक उपकार होते हैं, इस प्रकार की बात संत कवि कबीरदास जी ने कही है। गुरु का अपने जीवन में और भी महत्व कैसे है, इसका उल्लेख संत कवि कबीरदास जी ने आगे वर्णित किया। उन्होंने कहा, गुरु सुआदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी अपने गुरु की जिन गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने अगर एक साथ खड़े हो जाते हैं तो मैं सर्वप्रथम गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, गुरु को वंदन करूंगा, फिर बाद में ईश्वर को वंदन करूंगा। इस प्रकार की बात संत कवि कबीरदास जी ने कही, मतलब गुरु का स्थान ईश्वर के स्थान से भी बड़ा होता है, क्योंकि गुरु है तो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा किताबें तो विद्यार्थियों के पास भी होती है, हमारे छात्रों के पास भी किताबें होती है, अर्थ विज्ञान हो और अन्य साइंस के विषय हो, मराठी की कविता हो और अन्य कई पाठ्य पुस्तकें, विद्यार्थियों के पास भी आंखें होती है पर वे अपनी आंखों से, चमड़ी की आंखों से उन किताबों में छपे हुए शब्दों को देखते हैं, मात्र शब्द दिखाई देते हैं, उन शब्दों के अंतर्गत ज्ञान की ईश्वर मतलब मर्म तत्व कौन सा छिपा हुआ है वह बात हमारे स्वागत। पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत शब्द होते हैं पर विद्यार्थी अपनी चमड़ी की आंखों से उस किताबों के अंतर्गत ज्ञान की जो ईश्वर छिपा हुआ होता है उसे देख नहीं पाते हैं, पर ईश्वर सतगुरु मतलब जो सच्चे गुरु होते हैं वे विद्यार्थियों के ज्ञान रूपी नेत्रों को खोलकर साक्षात ज्ञान रूपी ईश्वर का दर्शन कराने का कार्य गुरु किया करते हैं। इसलिए गुरु अगर नहीं होते तो विद्यार्थी उस मर्म तत्व को नहीं समझ पाते, मतलब ज्ञान तत्व को नहीं समझ पाते और अपने जीवन में वह अपने जीवन का उत्थान भी नहीं कर सकते। इसलिए गुरु के कारण ही शिष्य को ज्ञान इस ईश्वर का दर्शन होता है। इसलिए कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया है। गुरु की महिमा तो अनंत होती है, जैसे सब धरती कावे करू लेखनी सब बनराई, साथी समुंदर करू जाए फिर गुरु गुरुगुण दिखा न जाए, फिर भी गुरुगुण दिखा न जाए। देखिए गुरु की महिमा अनंत है, इसका उल्लेख यहां पर संत कवि कबीरदास जी ने किया है। संत कवि कबीरदास जी ने अपने जीवन में जो विडंबना आई, जो मौलिक अनुभव आया उनको लेकर अपना गीत गाया, अपनी वाणी प्रस्तुत की और हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी जो बाह्य आडंबर करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, जो मानवता के विरुद्ध कार्य करते हैं उनको फटकारने का काम अपनी वाणी के माध्यम से किया, परिणामों की चिंता बिल्कुल नहीं की। अभी सर ने बताया कि उनको 12 पिटा गया, उन्होंने परिणाम सहे पर अपना कार्य करते रहे। मनुष्य ने अपनी जिंदगी में अपना कार्य प्रामाणिकता के साथ परिणामों की चिंता न करते हुए करना चाहिए, इसका उदाहरण यहाँ पर कबीरदास जी के जीवन को लेकर देखा जा सकता है। कबीर जी ने अपने जीवन में मानवता से संबंधित बताया है कि मनुष्य ने अपने जीवन में हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इसलिए कबीर ने कहा, जोतो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है तिरसुर, कबीरा वाको है तिरसुर। मतलब जो व्यक्ति हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है, फूल डालना मतलब बाधाएं उत्पन्न करता है, विघ्न डालने लगता है, हमारे मार्ग में अड़चन निर्माण करता है, उसके मार्ग में हमने
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फूल डालना चाहिए, मतलब उसकी भलाई करना चाहिए। कोई व्यक्ति भले ही बुरा हो फिर भी हमने उसके मार्ग में फूल डालने से उसके साथ सब व्यवहार करना चाहिए। क्यों? कारण यह है कि यदि हम दूसरों की भलाई करेंगे तो हमें भलाई के बदले भलाई मिलेगी, और यदि हम उसके मार्ग में फूल डालकर कांटे डालेंगे तो कांटों के बदले सीधे हमें त्रिशूल मिलेंगे, मतलब बुराई के बदले और भी ज्यादा बुराई मिलने की संभावना है। इसलिए हम अगर अपने जीवन में अपना खुद का भला चाहते हैं तो दूसरों के मार्ग में हमेशा भलाई करना चाहिए, दूसरों के मार्ग में फूल डालना चाहिए। ये विचार कबीर ने व्यक्त किया है। कबीरदास जी आमतौर पर समाज में देखा जाता है कि लोग एक दूसरे पर ठहरते हैं, हम कभी कभी इस प्रकार से बर्ताव करते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हम लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। पर धोखाधड़ी करना यह अनुचित बात है, यह मानवता के खिलाफ है, यह बात संत कवि कबीरदास जी ने बताई। और इसलिए कवि कबीर ने कहा, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए को, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो, कबीरा और ठगे दुख हो। देखिए हम जब दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं तब हमें वहां पर भले ही तत्कालिक समय में सुख लगे पर वह सुख नहीं होता है, बल्कि वह एक आसुरी सुख होता है। इस प्रकार के सुख मानवता के खिलाफ है। हमें अपने जीवन में दूसरों को ठगना नहीं चाहिए, भले ही कोई व्यक्ति हमें ठगे पर हमें दूसरों को कदापि ठगना नहीं चाहिए, दूसरों के साथ हमें दूसरों के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विचार संत कवि कबीरदास जी ने रखा था। जो लोग आज हम व्यवहार करते समय देखते हैं कि वह अमुक जाति का है, महाविद्यालय में अपना कार्य करते समय कुछ लोग होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वह अमुक जाति का है उसे अमुक काम मत दो, वह अमुक जाति का है उसे अमुक बात मत दो, इस प्रकार की बात कभी सोची जाती है। अमुक जाति से संबंधित, अमुक धर्म से संबंधित होने के कारण उसको उस प्रकार की जिम्मेदारी मत दीजिए, उसको अपने घर में पनाह मत दीजिए, इस प्रकार की बात समाज में सोची जाती है। पर हमने अपने जीवन में जाति पाति का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। यह सिख संत कवि कबीरदास जी ने दी है। उन्होंने कहा है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। महाविद्यालय में हम सेवा करते समय जाति पाति का भेदभाव न करते हुए, धर्म पंथ का भेदभाव न करते हुए, हम सभी एक ही परिवार के हैं, इस प्रकार की भावना अपने मन में रखकर अपना कार्य प्रामाणिकता से करना चाहिए। वैसे सभी लोग करते हैं, वैसे सभी लोग प्रामाणिकता से ही अपना कार्य करते हैं, फिर भी जो कुछ लोग मानवता के खिलाफ काम करते हैं तो हमें जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। संत कवि कबीरदास जी ने कहा है, अमुक जगह पर खड़ा होने वाला व्यक्ति कभी कभी कोई गुरु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो आप में से हमारे बीच में बैठा हुआ होता है, वह विद्वान हो सकता है, वह चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वह विद्वान हो सकता है, उसके पास ज्ञान हो सकता है। और ज्ञान की ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें जाति पाति धर्म पंथ इस प्रकार का कोई भी भेदभाव न करते हुए वह अपना गुरु कौन, अपने गुरु के पास से जो मार्गदर्शन कर रहा है, जिसके पास ज्ञान है, उसके पास से हमने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जाति ने पूछो साधु के, पूछ लीजियो ज्ञान, मौत करो तलवार का, पड़ा रहने दो मान। युद्ध करते समय हमने जाति पाति का भेदभाव करके अगर युद्ध करने का प्रयास किया तो क्या होगा, युद्ध में हमें हार मिलने की संभावना है। हम अगर जाति पाति का भेदभाव करेंगे, हमारे भारतवर्ष में यही हुआ, जाति पाति का भेदभाव 14वीं सदी के अंतर्गत काफी बड़े पैमाने पर देखा गया। जाति पाति का भेदभाव करने के कारण इसी का लाभ
लोगों के अंतर्गत फूट पड़ी और इसी का लाभ ब्रिटिशों ने उठाया और अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर गए। इसलिए हमने अपने जीवन में अगर अपने परिवार के अंतर्गत फूट नहीं पड़ने देनी है, हमें परिवार को अगर बड़ा बनाना है तो जाति पाति का भेदभाव न करते हुए हमने अपना काम करना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति है ज्ञान दान करने वाला, कौन से वर्ग से है, कौन से जाति से है, कौन से पद पर है, कहां से आया है, कौन से प्रांत से है, इस प्रकार का भेदभाव में करते हुए वह अगर अच्छा ज्ञान दे रहा है तो हमने उसको सुनना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की बात संत कवि कबीरदास जी ने कही है। कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के संदर्भ में कहा, अरे इन दोनों की राह पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। मैं बीच की पंक्तियां छोड़ रहा हूं, पंक्तियां सामने पीपीटी पर है। संत कबीरदास ने यह बात कही कि तत्कालीन समय में, मतलब संत कवि कबीरदास जी के जमाने में 14वीं सदी के अंतर्गत हिंदू और मुसलमान और जाति पाति भेदभाव बड़े पैमाने पर रहा था, और ऐसे समय में लोग, हिंदू लोग अगर अपने घर पर कोई मुसलमान व्यक्ति आ रहा है, किसी कारणवश मदद मांगने के लिए आ रहा है, तो वह मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। पानी देने के लिए अगर जाना है तो वह अपनी गंदगी को स्पर्श न करे, इस प्रकार की भावना वहां पर रखी जाती थी। और मुसलमान लोग अपने अपने तत्वों को लेकर जाते थे, हिंदू अपने तत्वों को और मुसलमान अपने तत्वों को। रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता था। जाति पाति के भेद के कारण हम अपने अपने घर की, अपने अपने जाति की बड़ाई करने में लगे हुए थे। क्या इस प्रकार से हम समाज में भेदभाव करते रहेंगे तो समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का उत्थान हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं। इसलिए इस प्रकार का भेदभाव हमने नहीं करना चाहिए। मानवतावाद से संबंधित हमारे लिए अपने जीवन में अपनी वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने अपनी वाणी पर संयम भी रखना आवश्यक होता है। इसलिए संत कवि कबीरदास जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, और अन्न को शीतल करे आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल होए। हमने अपने जीवन में अथवा महाविद्यालय में किसी भी जगह पर व्यवहार करते समय, अपना कार्य करते समय अपनी वाणी की शुद्धता पर बल देना चाहिए, जोर देना चाहिए, वाणी के संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए। हम अपने महाविद्यालय में कार्य करते समय कभी कभी अभी कुछ दिनों पहले प्राचार्य साहब ने कहा था कि कुछ लोग झगड़ा करते हैं, कुछ लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं और फिर प्रकरण मेरे पास आ जाते हैं। मैं क्या पुलिस हूं क्या, राजाराय साहब ने कहा था। पर देखिए, झगड़े की वजह अपनी वाणी होती है अपने जीवन में। इसलिए हमने अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। हमने इस प्रकार से मधुर और मीठी वाणी को बोलना चाहिए जिसके कारण सामने वाले, सुनने वाले व्यक्ति को, श्रोता को अच्छा लगे, श्रोता को सुखद महसूस हो। जब मैं अच्छा बोल रहा हूं और श्रोता को पसंद आ रहा है, श्रोता को अच्छा लग रहा है, तो मेरे मन को भी सुकून लगेगा, मेरा और सुनने वाले का अहंकार दूर हो सकता है वाणी के कारण। इसलिए मधुर और मीठी वाणी को ही हमें अपने जीवन में बोलना चाहिए, इसका ही प्रयोग हमें करना चाहिए। इस प्रकार की बात कबीरदास जी ने कही। 14वीं सदी के अंतर्गत काफी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास किया जाता था। आज भी कहां समाप्त हुआ है? आज भी तो समाज में अंधश्रद्धा दिखाई देती है, अंधविश्वास दिखाई देता है। जिस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए उस बात पर विश्वास न करके, जिस बात पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए उस बात पर हम विश्वास करते हैं।
अंधविश्वास करते हैं। संत कवि कबीरदास ने इसलिए तत्कालीन समय में मूर्ति पूजा के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा था। 14वीं सदी के अंतर्गत कहीं पर भी, आज भी है वैसे वह प्रथा, कहीं पर भी किसी पत्थर को सिंदूर गुलाल लगाकर रख दिया है तो मनुष्य ने उसको पूजना प्रारंभ कर दिया। आज भी समाज में देखा जाता है कि कई जगह पर कोई पत्थर होता है, उसका और अपना कोई वास्ता नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, उसको सिंदूर और गुलाल लगाकर रख दिया है तो हम उसके सामने जाकर नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके अंतर्गत ईश्वर देखते हैं। हमारा मानना होता है कि उस पत्थर के अंतर्गत ईश्वर है, पर संत कवि कबीरदास ने पहले भी कहा है कि मोको कहा ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना तो योग वैराग में, खोनी हो तो तुरंत विरह पर भर की तलाश में, मैं विश्वास में मैं हर सांसों की सांस में। ये जो बातें हैं इन बातों को हम भूल जाते हैं आज भी, और उस सिंदूर गुलाल लगा हुए किसी भी पत्थर के सामने हम नमन करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके सामने बकरे आदि की बलि चढ़ाते हैं। इस प्रकार की प्रथा हिंदुओं के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए जो लोग किसी भी पत्थर के अंतर्गत जिसके ऊपर सिंदूर गुलाल डाल दिया गया उसको ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते हैं, तो कबीरदास ने तत्कालीन समय में बताया कि हे मनुष्य, उस पत्थर के अंतर्गत ईश्वर नहीं है, जो हमारे उपयोगी नहीं है उसमें ईश्वर कैसे हो सकता है। इसलिए कबीरदास ने बताया, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार, ताते वह जाकी भली पीस खाए संसार, कबीरा पीस खाए संसार। किसी भी पत्थर की पूजा अर्चना करना और उसमें ईश्वर ढूंढना यह तो अंधश्रद्धा है मनुष्य, यह अंधश्रद्धा है। इस प्रकार का बाह्य आडंबर मत कर, इस प्रकार का कार्य मत कर, और आज हमने भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, पुराने जमाने में फोटोग्राफी नहीं थी, पुराने जमाने में फोटोग्राफी के साधन नहीं थे, वीडियो के साधन नहीं थे, और तत्कालीन समय में अपने परिवार से अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी स्मृति के तौर पर किसी लकड़ी का अथवा किसी पत्थर से उसकी एक मूरत बनाई जाती थी और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। उसकी ठीक है, उसकी पूजा अर्चना करना है तो ठीक है कि एक स्मृति के तौर पर हम वैसे भी अपने पूर्वजों के फोटो की तस्वीर की पूजा अर्चना करते हैं, उनके मूरत की पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर हम श्रद्धा दिखाते हैं, उनके सामने नमन होते हैं, वह बात अलग है। पर किसी भी पत्थर के सामने जिसका मेरा उस पत्थर का कोई संबंध नहीं है उसकी अगर मैं पूजा करता हूं उसमें ईश्वर मानकर, यह तो साफ साफ अंधश्रद्धा होती है। इसलिए कबीरदास ने बताया कि हे मनुष्य, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कि उस पत्थर में ईश्वर नहीं है, फिर भी यदि आप उस पत्थर की पूजा करोगे तो मैं सीधे पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि आपको एक पत्थर पूजने से एक ईश्वर मिल जाता है, और मैं यदि पहाड़ की पूजा करूंगा तो मुझे कितने बड़े साक्षात और विराट ईश्वर के दर्शन होंगे इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आप मूर्ति पूजा करना मतलब किसी भी पत्थर में ईश्वर मानकर उसकी पूजा करना छोड़ दो, किसी भी पत्थर जिसके ऊपर सिंदूर गुलाल डाल दिया गया है उसकी पूजा करने की अपेक्षा अपने घर में जो चक्की होती है जातक उसकी पूजा करो, क्योंकि वह चक्की जो होती है वह अनाज को पीसकर हमें आटा देती है, और हम उस चक्की से पीसे हुए आटे को खाकर अपना पेट भरने का काम करते हैं। कम से कम वह चक्की लोगों का पेट भरने का काम करती है, इसलिए उस चक्की की पूजा करनी चाहिए। किसी भी पत्थर की पूजा करना यह तो अंधश्रद्धा है। इस प्रकार की बात संत कवि कबीरदास ने तत्कालीन समय में कहकर अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्य करके समाज सुधार में अपना योगदान देने का कार्य किया। दया तथा धर्म के संदर्भ में कबीर ने कहा, जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ दह पाप, जहां क्रोध दह काल है,
अच्छी बात आप हमने अपने जीवन में हमेशा दूसरों के ऊपर दया करना चाहिए, जरूरतमंद को हमने हमेशा मदद करनी चाहिए। हमारे पास सब कुछ होता है मदद करने के लिए, हमारे पास हमारा हृदय होता है, हमारे पास साधन सामग्री होती है, फिर भी यदि हम जरूरतमंद को मदद नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का क्या लाभ? रास्ते पर कोई एक्सीडेंट हो गया है और मुझे महाविद्यालय में आना है, मैं अपनी गाड़ी पर सवार होता हूं, देखता हूं कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी से नीचे गिर गया, कोई जख्मी है, और फिर भी हम ऐसे समय में महाविद्यालय जाना है इसलिए यह सोचकर कि कोई दूसरा तो जाएगा, हम अपनी गाड़ी से उस प्रसंग को देखकर सीधे चले आते हैं। फिर क्या हमारे मन में दया है? मेरे ऊपर तो एक बहुत बड़ा संकट आया है और किसी के पास साधन सामग्री होने के बावजूद भी, समय होने के बावजूद भी, वह अगर मुझे मदद नहीं करने के लिए आता है अथवा मैं किसी को मदद करने के लिए नहीं जाता हूं तो क्या मेरे मन में दया का भाव है? संत कवि कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा भया तो क्या होया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। अगर हम अपने जीवन में जरूरतमंद को मदद नहीं कर सकते हैं तो हमारे मन में दया का भाव नहीं है, और जहां दया होती है वहीं पर सही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? मानवता। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यत्व। मनुष्य का धर्म क्या है? इंसानियत। तो अगर हम किसी जरूरतमंद स्थान पर, जरूरतमंद जगह पर, अगर जरूरतमंद व्यक्ति को अगर हम मदद नहीं करते हैं तो क्या हमारे अंतर्गत मानवता है? तो क्या हमारे अंतर्गत इंसानियत और मनुष्यत्व है? नहीं है। इसलिए हमने जरूरतमंद लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि जहां दया होती है वहीं पर धर्म होता है, और जहां लोभ होता है वहां पाप होता है। जहां पर लोभ की बात आती है, जहां पर हमारा स्वार्थ होता है वहां पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी बड़ी परीक्षाएं, कितनी ऐसी परीक्षाएं ली जा रही है जहां पर लोगों ने लोभ किया, पैसे के लिए छात्रों को पास करवा दिया, पैसे के लिए अपना कार्य किया, आज उनका दायित्व, उनका परिणाम उन्हें क्या मिला, ये भी हम वास्तव से देख रहे हैं। टीटी परीक्षा से लेकर कई परीक्षाएं, और अपने जीवन में अगर लोभ करते हैं तो वहां पर जैसे कोई राजी कुत्ता होता है, उसके मुंह में रोटी है, वह किसी कुएं के पास गया है, कुएं के अंतर्गत देख रहा है, अपनी तस्वीर उसे दिखा देते हैं, उसको लगता है कि सामने एक कुत्ता है, उसके मुंह में भी रोटी है, मैं मेरी रोटी तो खाऊंगा, सामने वाले कुत्ते की भी रोटी छीन कर खा जाऊंगा। छीनने के लिए जाता है, सामने वाले पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, परिणाम क्या होता है? अपनी मुंह की रोटी भी नीचे गिर जाती है। पाप। पाप क्या है? भूखा रहना पड़ा, परिणाम भुगतना पड़ा। हमने अपने जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर हम क्रोध करते हैं वहां पर काल होता है, साक्षात मृत्यु होती है, साक्षात मृत्यु, नुकसान होता है। कोई पति है बहुत शराबी है, वह प्रतिदिन शराब पीता है अपने घर में, जो अपनी पत्नी रोज खाना खिलाती है, खाना परोसती है, उनकी सेवा करती है, एक दिन वही पति अपने घर जाता है, शराब भी काली पी रही होती है, रखी होती है, दौड़ रहा होता है, पत्नी कहती है अरे भाई बहुत पी रखी है, पियो मत, बहुत ज्यादा हो जाएगा। पति को क्रोध आ जाता है, वही बोतल फोड़कर पत्नी के पेट में घुसेर देता है क्रोध के कारण। वह क्रोध में एक समय के लिए उसको क्रोध आता है, पर सारा जीवन जो उसको खिलाने वाली है वही वहां से चली जाती है, और अपने आप के भी बुरे दिन ला देता है, अच्छे दिनों की जगह बुरे दिन।
इसकी अपेक्षा हमने अपने जीवन में हमेशा दूसरों से किसी प्रकार की गलती हो जाती है, अनजाने में यदि गलती हो जाती है तो उसको माफ करना चाहिए। आदरणीय प्राचार्य साहब, किसी से गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, अनजाने में, अनजाने में। हमेशा आदरणीय प्राचार्य साहब अनजाने में अगर प्रामाणिकता के साथ यदि कार्य कर रहे हैं और अनजाने में यदि किसी के साथ किसी के हाथों से गलती हो जाती है तो निश्चित तौर पर महाविद्यालय की ओर से उसे भी क्षमा का पात्र ही समझा गया है, समझा जाता है और समझा जाता रहेगा, पर जानबूझकर गलती नहीं करना है। अपने जीवन में हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर ज्ञान दान का कार्य करते हैं और ज्ञान दान का कार्य करते समय यदि हमने अपने आप के अंतर्गत अहंकार कर लिया, मैं इस पद का हूं अथवा मैं अमुक जाति से हूं, अमुक तमुक जाति से हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे पास इतना सब कुछ है, इस प्रकार का अगर अहंकार किया तो हम ज्ञान दान का कार्य सुव्यवस्थित रूप में नहीं कर पाएंगे। इसके कबीरदास जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए कबीरा, या में दो ना समाए। एक मैं में दो तलवारें कभी नहीं ले सकती है। भक्ति हुई मार्ग में ऐसा ही है, मानवता का मार्ग भी ऐसा है, जहां पर क्रोध है, अहंकार है, उपेक्षा है, तिरस्कार है, वहां पर मानवता कभी नहीं रह सकती है। और अगर हम ज्ञान भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं अथवा किसी भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भक्ति रूपी मार्ग पर चलते समय हमने अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। अगर मैं अहंकार, मैं पूजा अर्चना करता हूँ, ध्यान धारणा करता हूँ, ज्ञानार्जन का कार्य करता हूँ, यदि मैं ही छात्रों के सामने किसी के साथ गाली गलौज करता हूँ तो छात्र क्या मेरा आदर्श रखेंगे? और हमारा ज्ञान उस छात्रों तक कैसे पहुंचेगा? बात छोड़ दीजिए, मैं ही भक्ति रूपी मार्ग पर चल रहा हूं, मैं यदि अहंकार करके किसी के साथ गाली गलौज करता हूं, किसी के साथ उपेक्षा तिरस्कार की भावना रखता हूं और ऐसे समय में मैं भक्ति मार्ग पर चल रहा हूं तो ईश्वर के मुझे दर्शन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कबीरदास का मानना है कि जहां पर ईश्वर है वहां पर अहंकार नहीं है, जहां पर अहंकार है वहां पर ईश्वर नहीं है। इसलिए हमने अपना कार्य करते समय अहंकार को त्याग कर अपना कार्य करना चाहिए, ये मानवता के लिए लाभ नहीं है, यह मेरा एक विचार है। और सब कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं जूझ है सो मेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे है मेरा। मेरे पास जो कुछ भी है वह रुपया पैसा हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, वह सभी ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर से मिला हुआ है। और यह सब कुछ ज्ञान अथवा रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ प्राप्त होने के बाद यदि मैं अहंकार कर रहा हूं तो यह उचित नहीं है। इसके कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यहां पर मेरे पास जो कुछ मिला है यह आपकी कृपा से मिला है, आपकी दया से मिला है, इसलिए मैं यह सब कुछ आपकी सेवा में लगा रहा हूं, मैं यह सब कुछ आपके लिए सौंप रहा हूं। और मानवता का धर्म भी यही कहता है कि हमारे पास अगर जो कुछ है उसको हमें दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए, अपने अहंकार को भी बाहर निकाल कर ईश्वर को ही सौंप देना चाहिए। हे ईश्वर, तेरा अहंकार तेरे पास, मेरे पास अहंकार न हो तो मैं आपके पास पुनः से आ सकता हूं। आमतौर पर हमारे पास रुपया पैसा होता है, हम जरूरतमंद को मदद नहीं करते हैं। इसके संदर्भ में मैंने पहले भी बताया, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंखी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। हमारे पास यदि
धन संपदा है, साधन सामग्री है, ज्ञान है, तो दूसरों के लिए हमने उसको बांटना चाहिए, दूसरों के लिए देना चाहिए। उस बड़े व्यक्ति का क्या महत्व, उसके बड़प्पन का क्या महत्व? बड़ा कौन होता है जो दूसरों को मदद करता है, बड़ा कौन होता है जो दूसरों को देता है? काफी एक कोई राजा महाराज है, उसके पास सब कुछ है, पर वह प्रजा को, प्रजा की देखभाल ही नहीं करता है, तो वह क्या बड़ा राजा कहलाएगा? बड़ा मनुष्य किससे बनता है? मानवता से बड़ा बनता है, इंसानियत से बड़ा बनता है, मनुष्यत्व से बड़ा बनता है। इसलिए हमने अपने जीवन में अपने पास जो कुछ है, अगर हम मदद कर सकते हैं जरूरतमंद को, तो हमने मदद करना चाहिए, अन्यथा हमारे पास सब कुछ है और मैं किसी को मदद नहीं करता हूं, तो मेरे जीवन का क्या महत्व है, मेरी महानता कहां पर? एक और सागर बहुत बड़ा है, सागर बहुत बड़ा है, और एक और कीचड़ का पानी, तालाब बहुत छोटा है, पर कीचड़ के इर्द गिर्द रहने वाले जीव जंतु उस कीचड़ का पानी पीते हैं, कम से कम वह तालाब अपने आसपास रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं को मदद करता है। सागर इतना बड़ा है पर उसका पानी खारा है, वह अगर दूसरों को मदद नहीं करता है तो उसकी महानता कैसी हो सकती है? और जिसके पास मानवता नहीं है, मतलब सागर हमें अपना पानी पीने के लिए नहीं दे सकता, देगा तो वह खारा होता है, इसलिए हम पी नहीं सकते हैं। इसलिए हमने अपने जीवन में दूसरों को मदद करते रहना चाहिए। इस प्रकार की बात संत कवि कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास ने मानवता के लिए प्रेम यह तत्व भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि प्रेम असंभव को संभव कर देता है, और ये प्रेम सहज प्राप्त नहीं हो जाता है। जहां पर प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हैं वहां पर त्याग की भावना होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाटी बिकाय, राजा पर जा दे हिर जे, शीस दे ले जाए कबीरा, शीस दे ले जाए। प्रेम को कौन प्राप्त कर सकता है? आमतौर पर हम प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हैं, पर अपने स्वार्थ का त्याग नहीं करते हैं। भला प्रेम हमें कैसे मिलेगा? प्रेम के लिए राजा और प्रजा, छोटा बड़ा सब समान होते हैं। जो व्यक्ति अपने सिर को काट कर दूसरों को देने के लिए तैयार रहेगा, मतलब अपना सब कुछ दूसरे के लिए निछावर कर देने के लिए तैयार रहेगा, वही व्यक्ति प्रेम को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा हम प्रेम इस तत्व को समझ ही नहीं पाते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगम हुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। देखिए यहां पर भी ज्ञान तत्व का, ज्ञान तत्व आ जाता है। कबीरदास जी ज्ञानाष्टक शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ज्ञान तत्व को यहां पर भी कबीरदास जी ने महत्व दिया है। हम अपने जीवन में बड़े बड़े ग्रंथ लिख डालते हैं और प्रेम इस तत्व को समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे समय में दूसरों के साथ अगर दूसरों के प्रेम को अगर समझते नहीं है, दूसरों के साथ अगर सब व्यवहार नहीं करते हैं, तो भला हमने प्रेम को क्या समझा? केवल कागजों को पढ़ने से, कागजों को लिखने से मनुष्य बड़ा नहीं बन सकता है, बल्कि प्रेम इस तत्व को समझना है। हमने भी महाविद्यालय में एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, झगड़े नहीं करना है, इस प्रकार का संदेश यहाँ पर हमें मिलता है। हाँ, जब हम अब महाविद्यालय के अंतर्गत अपना काम करते हैं, सर एक दूसरे की निंदा करते हैं, अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार का कार्य किया, अमुक व्यक्ति ने अमुक प्रकार का कार्य किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, हाँ निंदा करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहते हैं। हाँ, तत्कालिक सब तत्कालिक क्षण के लिए हम कहते हैं, पर कोई निंदक जब हमारे सामने होता है, प्राचार्य साहब जब हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, अच्छी तरह से कीजिए, प्राचार्य साहब अपने काम में काम को समझाने का कार्य करते हैं, और कभी कभी ऐसा समझाने का कार्य करने के बावजूद भी हम स्वयं प्राचार्य महोदय कहते हैं कि हमारे पीछे हमारी निंदा की जाती है, इस प्रकार की बात कही जाती है, और हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, पर निंदक हमारे पास होना चाहिए, निंदक है इसलिए हमारा विकास है। इसलिए संत कवि कबीरदास जी ने कहा है,
निंदकनिया रे राखिए आंगनी कुटी बनाए बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय कबीरा निर्मल करे सुभाय। कपड़े धोने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, पर हमारे स्वभाव को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, निर्मल करने के लिए कोई निंदक हमारे पास होना चाहिए। मैं गलती करता हूं इसलिए मेरी निंदा की जाती है समाज में, और मेरी निंदा करते हैं इसलिए मैं अपने दुर्गुणों को दूर रख पाता हूं। इसलिए निंदा करने वाला एक हमारे जीवन में लाभदायी होता है, इस प्रकार की बात कबीरदास जी ने कही है। अंत में बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिलिया को, जो दिन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा मुझसे बुरा न कोई। हम अपना काम करते समय आमतौर पर एक दूसरे की बुराइयां निकालने में लगे रहते हैं, पर हमें दूसरों की बुराइयां निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हर बार हमें हमारी दृष्टि ऐसे बन जाती है कि दूसरे की मात्र बुराई दिखती है, अच्छाई दिखती नहीं है। कभी कभी लोगों की अच्छाई दिखती है बुराई नहीं दिखती, पर इस बुरे तत्व को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अंतर्गत जितने अच्छे गुण होते हैं उतने दुर्गुण भी होते हैं। हमने अपने जीवन में दूसरों पर दुर्गुणों को देखने की अपेक्षा अपने भीतर के जो अवगुण है उनको भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर भी इस प्रकार के दुर्गुण पाए जाते हैं, उन दुर्गुणों को भी हमने दूर करना अपेक्षित है। और जब कोई निंदा करता है तब हमें बुरा लगता है, पर जब कोई हमारी प्रशंसा करते हैं तब हमें अच्छा लगता है। और वो प्रशंसा करते समय वो प्रशंसा झूठी है या सही है इस बात को देखे बिना हम उसके उस प्रशंसा को सुनकर अपने आप में गर्व करते हैं। पर कभी कभी प्रशंसा चापलूसी के द्वारा भी की जाती है और इसमें माया होती है। कभी कभी हम अपने स्वार्थ के कारण कई माया प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वाणी के माध्यम से माया हमारे सामने आती है, धन संपत्ति के सामने धन संपत्ति के रूप में हमारे सामने माया आती है। कबीरदास जी कहते हैं माया मार ठगिनी हम जानी तिरगुण पास लिए कर डोले बोले मधुरी मधुरी वाणी। मधुर मधुर बातें करके कभी कभी हमें फंसाया भी जाता है, इस प्रकार की बात को भी हमें ध्यान में रखना है। इसलिए हर बात पर दस्तखत करते समय हर बात को दस्तखत करते समय सामने वाले की जो प्रशंसा है उस प्रशंसा को सामने वाले की बात को सोच समझ कर दस्तखत करना चाहिए हमने, अन्यथा उसका बुरा परिणाम भी हमारे जीवन में हो सकता है। संत कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर पर काफी प्रहार किया। सर ने बताया हिंदू और मुसलमान लोग अपने जीवन में ईश्वर की पूजा अर्चना करते समय कई बाह्य आडंबर करते हैं, आज भी करते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं और अन्य जहां पर ईश्वर का स्थान जहां पर ईश्वर का स्वरूप मानते हैं वहां वहां पर हम जाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार के बाह्य आडंबर और क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें मंदिर बनवाना मस्जिद बनवाना ये कार्य सम्मिलित है। कबीरदास जी ने कहा है कांकर पत्थर जोड़ के लियो मंदिर मस्जिद बना। मैं एक शब्द ऐड कर रहा हूं ताकि एक तरफा न हो। कांकर पत्थर जोड़ के लियो मंदिर मस्जिद बना ताजड़ी मुल्ला बांध दे क्या बहिरा हुआ खुदा। हम मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में जाकर मुल्ला जोर से बांग देता है, अल्लाह की जो आवाज है वह स्पीकर के द्वारा निकाली जाती है। प्रार्थना भी हम स्पीकर लगाकर करते हैं, जो जोर से ईश्वर के गीत गाते हैं। क्या इस प्रकार से ईश्वर के गीत गाने से मात्र हमें ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएंगे? क्या ईश्वर बहिरा है? क्या ईश्वर को सुनाई नहीं देता
जो हम इतने जोर जोर से आवाज करने की आवश्यकता है? हाँ, श्रद्धा के लिए श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के ऊपर, पर इस प्रकार के कर्मकांड नहीं होने चाहिए। पर कभी कभी कहा जाता है कि कुछ तत्व पाने के लिए कर्मकांड करने की भी आवश्यकता होती है। वह अपना अपना विचार हो सकता है, पर कभी का विचार यह है कि हमने इस प्रकार से मंदिर मंदिर बनवाकर ईश्वर के नाम पर ईश्वर के नाम से पूजा अर्चना वहां पर जाकर करने की अपेक्षा, अथवा इस प्रकार से प्रार्थनाएं करने की अपेक्षा, अगर हम मंदिर मस्जिद की अपेक्षा अगर स्कूल बनाते हैं तो मंदिर मस्जिद बनाने के जगह पर स्कूल बनाते हैं। स्कूल में भी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती क्या? स्कूल में कोई भी अध्यापक बुरी शिक्षा नहीं देता है, कोई भी महाविद्यालय बुरी शिक्षा नहीं देता है, वहां पर अच्छा ही सिखाया जाता है। सभी जाति पाति कुछ न कोई हरि को वजह सो हरि का समता बंधुता एकात्मता, ये सारी बातें यहाँ पर महाविद्यालय के द्वारा पाठशालाओं के द्वारा सिखाई जाती है। फिर हमने इस प्रकार से इतना रुपया पैसा वहां पर लगाने की क्या आवश्यकता? स्कूल में स्कूल के ऊपर यदि खर्चा करते तो, और इस प्रकार से बांध देने की क्या आवश्यकता? इस प्रकार से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता? ईश्वर अगर हम मन से श्रद्धा अर्पित करते हैं तो श्रद्धा ही मां आरती है। मन से अगर श्रद्धा अर्पित करते हैं ईश्वर को तो श्रद्धा ही मां आरती है, और हमें श्रद्धा के साथ अपना कार्य यहां पर करना चाहिए। केवल मुसलमानों को नहीं फटकारा कबीरदास ने, तत्कालीन समय में मूर्ति के सामने बकरी आदि की बलि दी जाती थी ताकि ईश्वर प्रसन्न हो जाए, ईश्वर के हमें साक्षात दर्शन हो, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो, इसलिए हम बकरी आदि की बलि देते थे, आज भी देते हैं। कई मंदिरों के अंतर्गत कभी गायों की कभी बकरियों की बलि चढ़ाते हैं। कबीरदास ने कहा था, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खात, जो जन बकरी खात देखो कौन हमार। अगर बकरी घास खाती है तो उसके हम खाल उधेड़ देते हैं, और ऐसी बकरी को हम ईश्वर को प्रसन्न कराने के लिए बलि चढ़ा रहे हैं, उसकी खाल उधेड़ रहे हैं, और यदि हम उसी बकरी को बलि चढ़ाकर उसी बकरी को खा रहे हैं तो ईश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? बकरी घास खाती है तो उसकी हम खाल उधेड़ देते हैं, हम ही बकरी को खाते हैं तो ईश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? यह सोचने के लिए संत कवि कबीर जी हमें मजबूर कर देते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, कभी अपने हाथ में 108 मणियों की माला लेकर राम 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 का जाप करते हैं, पर इस प्रकार से मात्र राम नाम का जाप करके क्रिया कर्म करके ईश्वर के दर्शन नहीं होने वाले हैं। आज भी हम करते हैं और ऐसा करके ईश्वर के दर्शन नहीं होने वाले। इसलिए संत कवि कबीरदास ने कहा है कि माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चहु दीस फिरे मनवा तो दहु दीस फिरे दहु दीस दस दिशा है, मनवा तो दहु दीस फिरे यह तो सुमिरन नाही, मतलब यह ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती है, ऐसा करने से आपको ईश्वर नहीं मिल सकता है। चाहे तुम गंगा घाट पर जाओ, कैलाश जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कई जगह पर जाकर आई है और बैठकर राम नाम का कितना भी जाप कर लीजिए, ईश्वर के दर्शन आपको प्राप्त नहीं होने वाले हैं। यह कर्मकांड हमें छोड़ना चाहिए, यह सत कवि कबीरदास ने कहा था। मतलब श्रद्धा से हमने अपना कार्य करना, श्रद्धा से हमने स्मृति के आधार पर ईश्वर की याद करनी चाहिए, पर उसके लिए कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की बात कबीरदास ने कही। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम व्रत उपवास रखते हैं, मुसलमान लोग रोजा रखते हैं, हिंदू लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, और ऐसे लोगों को भी कबीरदास ने फटकारा, कहा जिनको रोजा रखते हैं राती हालत हो गई, यह तो बंदे खून
कहता है, हे मनुष्य आप दिन में रोजा रखते हो, हे मनुष्य आप दिन में उपवास करते हो और रात को गायों को मारकर खा रहे हो, बकरियों को मारकर खा रहे हो, यह तो एक गलत बात है। ईश्वर के नाम पर हम बलि चढ़ा रहे हैं, ये तो गलत बात है, क्योंकि मुसलमान लोग तत्कालीन समय में गायों की बलि चढ़ा रहे थे, हिंदू लोग बकरियों की बलि चढ़ा रहे थे। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भी लोगों को भटकाने का काम, दोनों भी जन समुदाय को भटकाने का काम यहाँ पर संत कबीरदास जी ने किया और कर्मकांड का प्रखर विरोध किया। हमें अपने जीवन में समर्पण रखना चाहिए, समर्पण यह भी मानवता का एक प्रखर गुण होता है। कबीरदास जी कहते हैं, कभी मुत्ता राम का मुदिया मेरा नाम, गले राम की जेव भी जित खेचे दिल जाओ। कभी कभी क्या होता है, महाविद्यालय में कार्य करते समय हम अपने आप को अहंकार के कारण कोई काम करने के लिए इनकार कर देते हैं, हमारा मानना होता है कि यह हमारे तत्वों के विरुद्ध है कभी कभी। पर प्रशासकीय कर्मचारियों के द्वारा जब कहा जाता है कि कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय के समय में हमने उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गलत निर्णय भले ही निर्णय थोड़ा सा गलत हो जाए पर उसके संदर्भ में जो उद्देश्य होता है वह अच्छा होता है, मकसद अगर अच्छा है तो हमने ऐसे समय में महाविद्यालय का अगर हित है तो वहां पर हमने उनका साथ देना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। संत कबीरदास जी ने अपने आप को समर्पण किया और लोगों के लिए अपने आप का पूर्णतः समर्पण किया था। अद्भुत अनादे सर जी की मुझे यहाँ पर याद आ रही है, वे उन्होंने कहा था कि सर अध्यात्म को भी लेकर, मानवतावाद में अध्यात्म भी आता है तो अध्यात्म को भी लेकर चर्चा कीजिए। अब ईश्वर क्या है, ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, ईश्वर के लिए कई कर्मकांड करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार के क्रिया कर्म करते हैं, तो अध्यात्म भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। हमारा कार्य करते समय हमें अध्यात्मवादी भी होना चाहिए। संत कवि कबीरदास ने इसके संदर्भ में कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाय, यह तथ्य कहो ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? हम ईश्वर भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग पर चलते समय अपने अहंकार को त्यागना चाहिए, यह बात ठीक है, पर ज्ञानी कौन है, होशियार कौन है, विद्वान कौन है, कौन ईश्वर मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है? जैसे एक मटके में हमने पानी लिया और उस मटके में उस मटके का पानी हमने सागर में छोड़ दिया, जब तक मटका विद्यमान है तब तक हम वहां पर अपने उस मटके के पानी और सागर के पानी को पहचान सकते हैं कि कौन सा मटके का पानी है, कौन सा सागर का पानी है। पर मटका यदि फूट गया तो 10 दिनों के बाद हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा सागर का पानी है, कौन सा मटके का पानी है। हमारे कार्य को करते समय हमने औचित्य रूप में कार्य करना चाहिए। ईश्वर भक्ति मार्ग पर चलते समय हमें उचित रूप में कार्य करना चाहिए, सत्सत विवेक बुद्धि से काम करना चाहिए। ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलते समय हमें तकलीफ जरूर होती है और तकलीफ होने के बावजूद भी मानवता की दृष्टि से हमने ऐसे प्रसंगों को सहन करना चाहिए। अपना काम करते समय हमें तकलीफ होती है, संत कबीरदास ने ईश्वर भक्ति के मार्ग में जो कठिनाई महसूस होती है उसका उल्लेख करते हुए कहा है, आखड़िया में झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, आखड़िया में झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जीवड़िया में छाला पड़िया राम पुकारे पुकारे। हम अपना कार्य करते समय निरंतर हमें तकलीफ होती है पर हमें उन तकलीफों को सहन करना चाहिए। ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलते समय साधक को तकलीफ हो रही है, ईश्वर का मार्ग निहारते निहारते आंखों से आंसुओं के जगह पर रक्त बहने लगा है और राम नाम का जाप करते हुए जीवा में छाले पड़ गए हैं, फिर भी अपना काम हमने करते रहना है। मतलब जैसे ईश्वर
भक्ति के मार्ग में काम करते समय हमारे हमें तकलीफ होती है, वैसे ही हमारा महाविद्यालय कार्य करते समय भी हमें तकलीफ होती है, फिर भी हमने ऐसे समय में उस तकलीफ को भी सहन करना चाहती है, क्योंकि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। जो जागता है, जो अपना काम करता है, उसे निश्चित तौर पर तकलीफ होती है, फिर भी इस संसार को, इस जगत को सुखी बनाने के लिए हमने अपना प्रामाणिकता का जो कार्य है वह नहीं छोड़ना चाहिए, उन प्रसंगों को सहन करना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति करते समय भी यह बात देखी जाती है। साधक को बहुत तकलीफ होती है, साधक सहन करता है, किसलिए सहन करता है? संसार के सुख के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। पर जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधक पहुंचता है तब वह स्वयं ईश्वर बन जाता है। हम जब कार्य करने के लिए जाते हैं तब हम स्वयं कर्ममय बन जाते हैं, इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये प्रकृति ईश्वर है। हम अपना कार्य कर रहे हैं प्रामाणिकता से और ऐसे समय में हम उस कार्य मग्न हो जाना चाहिए, इस प्रकार का संदेश यहां पर लेना चाहिए, पर अपना कार्य सही समय पर करना चाहिए, यह बात भी मानवता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। कर करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होगा, बहुरे करेगा कब। इसलिए हर काम हमें समय पर करना चाहिए और हम जिस प्रकार का कार्य करते हैं उसी प्रकार का फल हमें मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं, करता था सो किया, करता था सो क्यों किया, अब करे अब कर क्यों पछताए, करता था सो क्यों किया, अब कर करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाए। हम जिस प्रकार का काम करेंगे उसी प्रकार का फल हमें मिलेगा, इस प्रकार की बात कबीरदास जी कहते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा, संत कबीरदास जी स्वयं कहते हैं, दूटी सके तो दूटी दे राम नाम की दूट, पीछे कहीं पछताना ना पड़े जब प्राण जाए छू। यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं तो प्रामाणिकता के साथ हमें अपना काम करना चाहिए, राम नाम को मतलब ईश्वर को साक्ष मानकर अपना काम करना चाहिए, इस प्रकार की बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। मैंने संत कवि कबीरदास के मानवतावादी विचारों को रखते समय इस कबीर के दास से यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं समय की दृष्टि से यहाँ पर समय को ध्यान रखते हुए यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सभी गुरुजनों ने मुझे सुना, मंचा सिंह मान्यवरों ने तथा संयोजकों ने मुझे यहाँ पर बोलने का अवकाश दिया, इसलिए मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद गौरी सर, अतिशय छान अनेक दोन्यांच्या माध्यमातून आपण आपले विचार या ठिकाणी कबीरदासच्या बाबतीत पुढे ठेवले आहेत, आपले मनापासून आभार। यानंतर मी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राजेश शाहू महाविद्यालय स्वायत्त लातूर स्टाफ अकॅडमी व्याख्यानमाला पुष्प साहब, बराच उशीर झालेला आहे, परत आपल्याला पुढची सोसायटीची बैठक जीवीची मीटिंग याच सभागृहात आहे, त्यामुळे मी फारसं काही याच्यावर अनुभव नाही। या ज्यांनी अतिशय सुंदर अशा भाषेमध्ये संत कबीर यावर भाष्य केलेलं आहे, त्याचे रिसोर्स पर्सन विजयजी गवळी सर व्यासपीठावर उपस्थित प्राचार्य आदरणीय राजू सर, आदरणीय शिंदे सर, आदरणीय वाघमारे मॅडम, आदरणीय संजय बिराजदार सर, या रखेनवाड्याचे प्रभारी सुरेशजी फुले सर, या स्टाफ अकॅडमीचे सर्व सन्माननीय सदस्य सुदर्शन पाटील सर, व्यंकट धुमाळ, श्रीनिवास मोरे, आणि आपण सर्व उपस्थित प्राध्यापक बंधूंना, आपलं हे सावं पुष्प आहे अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन गवळी सरांनी केलेलं आहे, या माध्यमामधून आपल्याला संत कबीर हे काय होते, कसे होते, त्यांचे मानवतावादी विचार, मला वाटतं आपली जवळपास जी काही व्याख्यानं होत आहेत ही सगळी व्याख्यानं मानवतावादाशी संबंधितच सगळी व्याख्यानं आहेत, आणि निश्चित रूपानं त्याचा आपल्या सगळ्यांनाच फायदा होऊ शकतो।
ही व्याख्यान देत असताना गौरी सर सातत्यानं त्याचा सध्याच्या काळामध्ये महाविद्यालयाशी संबंध जोडत होते. आपण ही त्यांनी जे काही सांगितलेलं आहे तिकडच्या लाईट लावले जरा काय लाव किती आवडला कोरोना वाढत चाललाय. खर तर हिंदीच्या लोकांना फक्त हे संत कबीर माहिती असणार आपल्यालाही हे संत कबीर एक आपण फक्त नाव ऐकून असतो फारसा विचार आपण काही त्यांचा अभ्यासच नाही. पण हिंदी विषय म्हटला की संत कबीराचं नाव हे पहिल्यांदा आहे आणि म्हणून त्यांनी मानवतावादाशी मांडलेले विचार आपला काही अभ्यास संत कबीरवर फार नाही आपण फारसं काही संत कबीर वाचलेली नाही पण एका विधवेच्या पोटी जन्मले हिंदू धर्मातील विधवेच्या पोटी जन्मलेले आणि म्हणून विधवेच्या पोटी जन्म होणं आणि मग त्याचे काय परिणाम होतात म्हणून ते लहान गुण एका सरोवराच्या काठी ठेवणं आणि तिथून जात असलेले जे काही मुस्लिम जोडपे होते त्या मुस्लिम जोडप्याला ते सापडणं त्याचं त्यांनी पालन पोषण करणं म्हणजे जन्मले हिंदू धर्मामध्ये पालन पोषण झालं मुस्लिम धर्मामध्ये आणि असं असलं तरी सुद्धा राम असेल कृष्ण असेल विठ्ठल असेल याच्यावर अनेक दुवे ज्यांनी लिहिले लिहिले सांगितलं राम की उपर असे हे कुठल्या धर्माचे आहेत ते आपल्याला काहीच माहिती नाही पण सर्व धर्म समभाव त्यांनी मांडला की पंत वेद जाती वेद धर्म वेद त्याच्या पलीकडे कवी पोहोचलेले आणि म्हणून अशा सर्व धर्माच्या कुंपणा पलीकडे असलेल्या परब्रह्म स्वरूपाला ती परमेश्वर मानते. जसं आपण परमेश्वर हा निर्गुण निराकार कुठेतरी एक आहे ही भावना आपल्या मनामध्ये असते. आता गोळी सरांनी सविस्तर त्यावर भाष्य केलेलं आहे की मुस्लिम असेल कुणी मस्जिद मध्ये जाऊन नमाज पडत असेल कुणी मंदिरात जाऊन पूजा अर्चा करत असेल पण सगळ्यांचा शेवटी मार्ग जो आहे मार्ग वेगवेगळे असतील सगळ्यांचा अंतिम उद्देश जो आहे हा उद्देश मात्र हा समान आणि म्हणून संत कवी त्यांच्या अनेक दुव्यामध्ये सांगतात जसं संतांना एकटंच राहावं लागतं सगळं संतांना एकटंच राहावं लागतं मग संत कसे असतात संत हे सिंहासारखे असतात कारण सिंहाचा कधी कळत नसतो असतो ना शांत जबरबी जबरबी बोल कशाला आता हे मी सांगितले कळप आता काय काय खायचं नाही सांगितलं मग खायचं बोल हा प्रश्न आहे मला बळी द्यायचा खायचं ना फक्त बळी आपण द्यायचा नाही आपल्याला खाऊ वाटलं तर आपण टाकायचं खायचं आम्ही तर खेड्यात बघतो ते काय वेगवेगळ्या देवाला कापतात बोगडं कापतात कोंबडी तंदुरी तंदुरी माणूस 100 किलोमीटर जाईल तंदुरी खायला आणि ताकद वाढली तर दोनच मुटकी वाचत पण ते 100 किलोमीटर होत काय माणूस म्हणजे म्हणजे मांसाहार करणं योग्य अयोग्य हा नंतरचा विषय पण असं एखाद्या प्राण्याला मारून खाणं ही म्हणजे मानसिकताच फार विचित्र वाटते. जसं आता मी म्हटल्याने काही थांबणार नाही आता लोक तर कोरोनामध्ये तर जास्त खाऊ लागले गवळी सर हसायला लागले कारण गवळी सर आतापर्यंत त्यांनी कधी मटण खाल्लं नव्हतं पण कोरोनामध्ये अनेक लोक मटण खाऊ लागले गवळी सर नाही खात गवळी सर नाही पण डॉक्टरनी सांगितलं की जगायचं असेल तर तुम्हाला आता हाय प्रोटीन जिथं मिळतं ना मग मटण असेल फिश असतील पण आता लोक बरेचसे लोक खाऊ लागले त्याच्यामुळे मला वाटतं ती बाहेर झालाय पण संत कबीर यांनी जो मानवतेचा जो संदेश दिलेला आहे मला तो खूप फार महत्वाचा आहे की देवाच्या नावावर असं कापून एखाद्याला खाणं आजच्या काळामध्ये सुद्धा बघा हे कधी मग 14व्या 15व्या शतकात होऊन गेले
आणि त्या काळामध्ये तर कर्मकांड धर्म अंधश्रद्धा ही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आज 21व्या शतकामध्ये सुद्धा याचं प्रमाण हे कमी नाही. 21व्या शतकामध्ये सुद्धा आपण फार मोठ्या प्रमाणात कर्मकांड करतो, पूजा अर्चा करतो. मी तर असं म्हणेल की न शिकलेले अधिक चांगले, शिकलेल्या लोकांमध्ये आता जास्त प्रमाण म्हणतोय. पूजा अर्चा कर्मकांड या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हे आपल्यामध्ये शिकलेल्या लोकांमध्ये जास्त वाढलेले आहे आणि म्हणून ते कुठंतरी कमी झालं पाहिजे. या व्याख्यानाच्या निमित्ताने त्यांनी जो काही मानवतेचा संदेश दिलेला आहे तो फार महत्वाचा आहे. आपण मानवता जपली पाहिजे. धर्म अनेक असतील, पंथ अनेक असतील, त्याच्या पलीकडे जाऊन आम्ही जगलं पाहिजे. हे भाषा, पंथ, धर्म, जाती व्यवस्था या सगळ्याच्या पलीकडे एक मानव जात आहे आणि मला वाटतं की त्याच्यासाठी आपण जगणं फार गरजेचं आहे. जसं पाहिलं तर आता हे संत कबीर एक संतच होते, संतच होते. जसे वेगवेगळे चमत्कार वेगवेगळ्या संतांच्या नावावर लिहिले जातात तसं यांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा काही चमत्कार आहेत. जेव्हा हे काशी ओढून हे दुसरीकडे बघर नावाच्या प्रांतामध्ये जात होते तेव्हा काशीच्या लोकांनी सांगितलं तिकडे जाऊन जर मृत्यू झाला तर गाढव म्हणा, काशीत मृत्यू झाला तर डायरेक्ट स्वरूप प्राप्त होतो आणि तिकडे जाल तर मग नरकात तुम्ही जा. आणि मला 120 वर्ष जगलेले हे संत कवी जेव्हा काशी ओढून त्या मगरकडे निघाले. काशीचे राजे हे बी सिंह हे हिंदू आणि मगरचे जे राजे होते ते पठाण होते आणि एकीकडे हिंदू राजा आहे एकीकडे मुस्लिम राजा आहे आणि दोघही संत कवी यांचे प्रिय शिष्य. आणि जेव्हा वयाच्या 120व्या वर्षी संत कवी हे काशीवरून मगरकडे निघाले तेव्हा त्यांना ही भीती दाखवली गेली की तिथं जाऊन तुमचं निधन जर झालं तर मग तुम्ही गाढव बनणार, तुम्ही नरकात जाणार. तरीही ते गेले आणि तिथं गेल्यानंतर इकडच्या राजाला हिंदू राजाला वाटलं की तिथं त्यांची निधन झाल्याच्या नंतर काही झालं तरी आपण सैन्य घेऊन जायचं आणि त्या पठाराच्या तावडीतून यांची डेड बॉडी आणायची आणि हिंदू रीती रिवाजप्रमाणे इथं त्यांचा अंत्यविधी करायचा. तिथं पठाणी सुद्धा देश ठरवलं इथं काही झालं तरी यांची डेड बॉडी जी आहे ती आपल्या धर्माप्रमाणे त्याचं सगळे बाकीचे विधी करायचे. आणि जेव्हा हे संत कबीराच्या लक्षात आलं तेव्हा त्यांना वाटलं की याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये युद्ध होणार, रयुद्ध भडके, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम यांच्यामध्ये युद्ध होईल आणि त्यांच्या कत्तली होतील. आणि म्हणून त्यांनी एक खाली एक चादर टाकायला लावली, त्याच्यावर काही फुलं टाकायला लावली, स्वतः संत कबीर बसते वर एक चादर ठेवली आणि थोड्या वेळात म्हणजे ती चादर ओढा. तेव्हा जेव्हा चादर ओढली गेली तेव्हा तिथे संत कबीर नव्हते. त्यांना अर्ध सांगितलं दोन्ही राजांना की माझ्या नंतर जे काही तुम्हाला सापडेल त्याचा अर्धा अर्धा हिस्सा तुम्ही वाटून घ्या. आणि तिथं फक्त एक फूड त्यांना दिसलं आणि ते फूड एक हिंदू राजा बी सिंह आणि मगरचा राजा पठाण यांनी अर्धा अर्ध वाटून घेतलं आणि त्यांच्या निधनानंतर हिंदूही रडले आणि मुस्लिम सुद्धा रडले. म्हणजे ज्यांनी सगळी हयात हिंदू मुस्लिम एकतेसाठी घालवली त्याच्यावर खर तर त्यांना लिहिता वाचता येत नव्हतं असंही म्हणतात. आता खरं काय त्याच्यावर आता फार मोठं त्याच्यावर पी एच डी वगैरे ज्यांचं झालं असेल बऱ्याच लोकांनी त्यांच्या काही धुळ्यावर पी एच डी केलेली आहे, एम फिल केले, रिसर्च केले, त्यांना ते सगळं माहीत असेल. पण ज्यांच्या ह्यातीमध्ये सुद्धा त्यांनी हे धर्माच्या पलीकडे ज्यांनी तत्वज्ञान मांडलं आणि मृत्यूनंतर सुद्धा त्यांच्या दोन धर्माचा तणाव कमी करण्याचं काम केलं खरं तर त्या संत कबीर यांना आपण एक विनम्र अभिवादन आपण करूया. आणि त्यांचा जो काही विचार आहे क्रोध अहंकार याच्या पुढे आपण गेलं पाहिजे. माणसाला खरं तर क्रोध नाही आला पाहिजे. सरांनी सांगितलं की क्रोध आपल्याला येतो क्षणामध्ये. दारू पिऊन माणूस आला तर तो एवढं वर्ष बायकोनं प्रेम केलं असतं, खाऊ पी वाचलेलं असतं, ते विसरतो आणि त्या क्रोधापोटी तो बायकोची हत्या सुद्धा करतो. खेड्यामध्ये एक म्हण आहे ना, राग आणि भीक माग म्हणतात. माणसाला राग येत असतो फार, म्हणून रागावर नियंत्रण ठेवायचं असेल तर मेडिटेशन करणं फार गरजेचं. म्हणून सकाळी उठल्यावरती आपण मेडिटेशन करणं गरजेचं. आपला राग अहंकार आपल्याकडे आला की संपलं, माणूस तर संपतो. म्हणून माणसाला राग असू नये, माणसाला अहंकार असू नये, माणसाला क्रोध असू नये
अशी माणसंच खऱ्या अर्थानं एक चांगलं जीवन उपरांत जगू शकतात. आणि म्हणून ते हेही सांगतात की कुठल्याही लोकाला व्यक्तीला छोट लेखू नये. तुम्ही गवतावरून चालत असाल, उदाहरण तुम्ही गवतावरून चालत आहात तेव्हा तुम्हाला गवत पायाखाली असत, याचं आपल्याला फारसं काही वाटत नाही, त्याला पायाखाली तुळत आपण निघून जातो. पण जेव्हा गवताची एक छोटीशी काळी सुद्धा जेव्हा डोळ्यात शिरते तेव्हा फार त्रास होतो. म्हणून कुठल्याही व्यक्तीला आपण छोट लेखू नये, कमी कुणाला लेखू नये. सगळी माणसं कधी कोण कधी उपयोगाला येत असत हे माहीत असत. म्हणून कितीही छोटा असला, कितीही तुकडा असला तरी तो कधी उपयुक्त होऊ शकतो आपल्याला निश्चित सांगता येत नाही. आणि सगळी माणसं या जगातली सगळी माणसं ही सारखी आहे, समान आहे, हे आपण नेहमी आपण पाहिलं पाहिजे. आणि म्हणून त्यांनी जे काही सांगितलं की संत साधू जे असतात ते काही जमाती घेऊन कधी चालत नाही, नेते जातात, वेगवेगळ्या जातीचे नेते असतात, आमची एक जमात, तुमची एक जमात, यांची संघटना, त्यांची संघटना. आणि म्हणून ते सांगतात की आम्हा संतांना काही जाती जमाती आम्हाला कधी नसतात. आणि म्हणून मला वाटलं ना सिंहाचं जसं कळत नसतो, सिंह एकटा जंगलामध्ये फिरत असतो, तसा राजहंस हंसाचे कधी थवे नसतात, असतात जुलज राबडो असतात का, हंसाचे कधी थवे नसतात आणि रत्नांची कधी पोती नसतात. त्या पद्धतीनं संतांना कधी जाती जमाती नसतात. म्हणून संत कबीर कुठल्या जाती धर्माचे होते यापेक्षा त्यांनी जो मानवतेचा संदेश दिलेला आहे हा फार महत्वाचा आहे. आणि म्हणून गवळी सरांनी जो जे सांगितलं ना की मनातून श्रद्धा केली गेली पाहिजे तर परमेश्वर प्रसन्न होत असतो. तुम्ही आपण मनातून आणि म्हणून तर तुम्ही कितीही पूजा करा, कितीही दिवे लावा, दिवे म्हणजे मंदिरात दिवा, दिवे म्हणजे मंदिरात, तुम्ही त्या मंदिरातल्या मूर्तीवर कितीही फूल ठेवा आणि टिके कितीही लावा आपल्याला सुद्धा आपण टिका लावतो. म्हणून त्या बाबतीत म्हटलं की चंदन के टिके लगाने से, पूजा अर्चा करणे से और दीप जलाने से कोई आराधना नहीं हो. जब तक दिल में सच्ची भावना ना हो तब तक कोई आराधना पूरी नहीं हो. आपके हाथ संदेश आज गवळी सरांनी संत कबीर आणि त्यांचा मानवतावाद याच्या माध्यमातून दिलेला आहे. मी परत गवळी सरांचं अभिनंदन करतो, आपण अतिशय छान असं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि खऱ्या अर्थानं त्यांचा मानवतावाद आपल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत आपण पोहोचवलेला आहे, त्याबद्दल मी आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देतो. त्यांच्या या संदेशामधून आपण एक मानवतेचा जरी संदेश आपण घेतला आणि आपल्या जीवनामध्ये त्याचं अंमलबजावणी आपण जर केली तर मला वाटतं की आपण जे काही व्याख्यानमाला सुरू केलेली आहे त्याचं ते फलित झालं असं मी मानतो. आणि परत गवळी सरांचं परत एकदा अभिनंदन आणि आपल्या सगळ्यांनाही धन्यवाद देतो. मी थांबतो. संत कबीरांचे सर्वसमावेशक असे मानवतावादी विचार त्यांच्या दोन्हीच्या माध्यमातून गवळी सरांनी